मॉर्निंग, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अपने घर पे सब ठीक होंगे। सो गाइस, व्लॉग की शुरुआत हो गई एंड देखो विवान पूरा रेडी हो चुका है, स्कूल यूनिफॉर्म में है, अभी स्कूल जा रहा है एंड आज इसका न्यू सेशन का फर्स्ट डे है। सो विवान, आर यू एक्साइटेड? यस। सो ये इस बस स्कूल जा रहा है, इसको हम छोड़ने जा रहे हैं। आज प्रिंस भी मेरे साथ जा रहे हैं विवान को स्कूल में छोड़ने के लिए, तो अभी आपको मिलवाती हूँ प्रिंस से भी। गाइस ये देखो, प्रिंस भी जा रहे हैं आज विवान को छोड़ने के लिए। विवान ने बहुत जिद करी, सो जा रहे हैं विवान के साथ प्रिंस भी। हाय विवान, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म तो दिखा दो। नहीं, अभी 5 मिनट्स है, आज हम जल्दी जा रहे हैं। और ना, और मौसम अच्छा हो रहा है ना, अभी तो गर्मी नहीं लग रही। आपको देख के तो लग ही रहा है, आपको देख के तो लग ही रहा है। सही बात है। चलो ये देखो, ये दोनों बस का इंतजार कर रहे हैं। तेरा बैग कहाँ है? तेरा बैग कहाँ है? दोनों एक ही क्लास में हो? लंच अलग अलग लाए हो या एक ही खाओगे? नहीं, अलग अलग लाए, मैं फ्रूट लाई हूं इसलिए मैं नॉर्मल लंच लिया है। अच्छा हाँ, तो डाइटिंग भी है ना इसलिए। सही है, नहीं तो मेरे से 50 रुपीज ले जाओ, ले लेना वहाँ राजमा चावल। हैं? क्यों राइस? पता है क्या, बीमार ऐसे ही करता है, जब इसको ना स्कूल में कुछ अच्छी चीज मिल रही होगी ना, मील अच्छी होगी ना, तो ये स्कूल में अम्मी जो हेल्पर होती है उनसे एक कूपन ले लेते हैं और उधार करके आ जाते, फिर नेक्स्ट डे उनके लिए पैसे लेके जाते हैं कि ये जो भी लेता है ना तो पैसे नेक्स्ट डे देते। बहुत तेज है। क्यों विवान, आज चाहिए 50 रुपीज? ये उधार ही करके आएगा। हाँ भाई, आपको चाहिए? बाय विवान, ऑल द बेस्ट। विवान को छोड़ के आए थे, उसके बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। सो यहाँ पे जिस चाय बन गई है, अब प्रिंस और मैं दोनों चाय पियेंगे, उसके बाद करेंगे घर का काम। ये विवान देखो स्कूल से आ गया और इसके शर्ट देख लो, दिखाइए अपनी शर्ट, ये देखो लोफर बन के आता है ये। तेरी मैम को बोलूंगी, मैम ये लोफर बन के आता है। विवान ये शर्ट पे क्या लगा लिया आपने? खाना नहीं आता आपको? खाना नहीं आता? सो गाइस बस घर से निकल गए थे एंड उसके बाद अब विवान की फरमाइश है कि उसको मैंगो खाने हैं, तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं मैंगो एंड इसकी डिमांड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों विवान? एंड प्रिंस ये रहे। हाय प्रिंस। सो बस अभी मैंगोज लेंगे और फिर जा रहे हैं मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो हमने कहा चल मम्मी से मिल के आते, कल मिले नहीं थे। सो ये रहे मैंगो वाले भैया, मिल गए, फटाफट से जाओ मैंगोज लेकर आओ इसके लिए। बस अब मम्मी के पास आए थे और ना अब मैं कुछ लाइक सोच रही हूँ, आज है 1 अप्रैल, सो अप्रैल फूल है, तो मैं सोचू प्रिंस को ना अप्रैल फूल बनाते हैं। और ना अप्रैल फूल कैसे बनाएंगे, ये मैं लाई हूँ प्रेगनेंसी किट, ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाल लिया था, तो देखो एक लाइन आ गई है, मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। ये देखो इसमें एक लाइन आई हुई है ना, अब जो दूसरी लाइन है वो मैं पेन से डाल दूंगी, स्केच पेन से, और प्रिंस को हम बनाएंगे अप्रैल फूल, देखते हैं प्रिंस का रिएक्शन क्या होता है। सो कुछ फनी करने का मन था तो ट्राई करते हैं, ये वैसे 1 अप्रैल है सो मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। सारी तैयारी हो चुकी है और मैंने मम्मी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है और मैंने मम्मी को बोला आप भी कुछ मत बोलना, तो हम अब प्रिंस के साथ प्रैंक करेंगे। बस कैमरा सेट कर रही हूँ और प्रिंस को बुला रही हूँ और फिर देखते हैं प्रिंस का रिएक्शन। प्रिंस जी जल्दी आओ। क्या हो गया? बैठो। हाँ मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो बोला तो था तेरे को कि क्या कहते हैं डॉक्टर के पास चल लियो। अरे यार डॉक्टर के पास चलो, अब टेस्ट आपने को मैंने इतने दिन से बोल रही हूँ, 3 दिन से बोल रही हूँ तबीयत ठीक। मैंने इसको बोला 2-3 दिन से कि क्या कहते हैं डॉक्टर के पास, आज सुबह में मैंने मम्मी इसको बोला कि तो चल ले सारे टेस्ट करा ले। यार मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं सुबह 7 बजे घुस जाएंगे क्या? अरे मेरे को 10 बजे चल ले। फिर मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ना बहुत ज्यादा ढीली लगी, 3 दिन से मैं आपको बोल रही हूँ ना। तो मैं अभी तो तेरे को 4 दिन से बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं अपना टेस्ट करवा ले। तबीयत खराब नहीं थी 4 दिन से बोल रहा हूँ। वो लोग में तो तूने सबको बता दिया कि मेरी तबीयत खराब है। अब बताना यार मेरे भाई, सुबह चल रहे हैं डॉक्टर के पास। अभी नहीं चलना, सुबह चल गए यार, अभी सुबह सुबह चलेंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे और टेस्ट करवा ले, एकदम ओके रिपोर्ट हो जाएगी। और मेरे को टेस्ट नहीं कराना मम्मी, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी। ओ भाई, सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सारे हो रही है, क्यों ऐसे चक्कर आ रहे हैं, क्या हाँ, और क्या सब पता चल जाएगा। और अगर टेस्ट की जरूरत ना पड़ी तो? ना पड़ी तो मतलब क्या, जब
पूरी बॉडी चेकअप करा, सब सामने आ जाता है। रिजल्ट तो आ ही गया है। कौन सा रिजल्ट है? कौन सा रिजल्ट? रिजल्ट आ गया है। वो तो आ ही गया इसका। कौन सी क्लास में बोल गया तू? थर्ड। थर्ड में आ गया है। आज पहला भी दिन था भाई। ये देख रिजल्ट, आप अगेन पापा बनने वाले हो। क्या ये? हाँ। क्या अब क्या कर रहे हैं? तुम मजाक मत कर यार, रहने दे। मम्मी देखना मैं मजाक कर रही हूं। मैं बोलता था इसे और ये खुद वो करती रहती थी। तो मैं तभी तो टेंशन में हूँ। चलो अच्छा हुआ ना। अच्छा सही बता मम्मी। हाँ प्रिंसेस, अब इसमें क्या गलत है यार? अब ये प्रूफ, इससे बड़ा प्रूफ क्या दिखाऊं? दिखाइए। तो तू नहीं हुई है सच में? हाँ सही है यार। क्या सही? बढ़िया देखना क्या है? नहीं क्या? नहीं नहीं देख रहे हो? मेरी तूने फिर टेस्ट क्यों करा? मेरे को डाउट था तो मैंने टेस्ट कर दिया। तो बढ़िया ही हो गया मेरे तो। मिठाई चल भाई, टालू मिठाई लेने चले। इतने ना खुश ना हो मिठाई। क्यों? आज क्या है? क्या है? क्या है आज? तू बता दे क्या है आज? क्या है? कौन सी डेट है आज? 1st अप्रैल। क्या होता है 1st अप्रैल को? ओ इसे अप्रैल फूल बनाया। मुझे ना पहले से ही डाउट था। नहीं नहीं, जब बनता है फिर बन जाते हैं। ये किससे खींची है? दो लाइनें ये बता। ये लाइनें दोनों किससे भी खींची? ये पेन पड़ा था, पेन से दो लाइनें खींची। नहीं तूने किसी प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट करा है? नहीं नहीं, ये मैंने दो लाइनें खींची है। ये गुड्डू की किट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, प्लान सक्सेसफुल। अच्छा कैमरा लगा रखा है। सो गाइस, प्रिंस का तो हो चुका है पोपट। पोपट होने के बाद ही बेचारे मिठाई, ये मिठाई लाने वाले थे और खा रहे हैं नमकीन भाई। और क्या, हमारे किस्मत कहाँ मुंह मीठा करने की? ये मैं ही मिला था ना। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ मिल गए इसके। हाँ, और मम्मी को मैंने बोला था, मम्मी को मैंने इंक्लूड किया। मैंने कहा मम्मी कुछ ना पोपट करते हैं, प्रिंस का मजा आ जाएगा, कोई प्रैंक करते हैं। तो मम्मी कह रही है ठीक है। पहले मुझे लगा मम्मी शायद नहीं अग्री होंगी, बट मम्मी मान गई। मिठाई का डब्बा भी तो साथ ही ले आती ना। नहीं मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आती? फिर तो लोगों को लगता कि यहाँ सच में कुछ ना कुछ बात है, तो इसलिए। लेकिन मजा आया एक बार के लिए। आप मान गए थे ना सच? अब मैं तेरे साथ प्रैंक करूंगा ना, फिर तुझे पता चलेगा। नहीं नहीं, अब मेरे को पता है आप कौन से कैसे प्रैंक करने लगे। दूसरी बीवी ले आऊंगा। ले आना फिर, तो मैं पक्का ही कहूंगी प्रैंक ही है। तू थक जाती है ना काम कर करके, फिर वो आगे करेगी। बोल। सही बात है, सही बात है। वैसे भी तुम सोच ही देते। और वंशुल क्या हाल है? आ गया? बढ़िया बढ़िया। और ये भी बस ट्यूशन से आया है वंशुल। हमने कितना अच्छा प्रैंक किया, बहुत मजा आएगा। तू वीडियो देखेगा। अच्छा। तुझे पता चलेगा। एंड ये रहा विवान, ये भी बस अभी हमारे साथ ही बैठा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था, है ना विवान? वैसे अन्नू आजकल दो बीवियों वाले जल्दी फेमस हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम वैसे ही हो जाएंगे। हमें दो बीवियां, हम मेरे को दोनों साथ रहना। हाँ मतलब तुम्हारा हाथ एक घी में और एक क्या तू रहने दे। चल बस घर आ गए थे। घर आने के बाद पर डिनर प्रिपेयर किया। डिनर में आज मैंने बनाए हैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी एंड साथ में ना मेरा पोहा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाया है पोहा। सो बस अब विवान को डिनर करवाऊंगी और उसके बाद उसको सुलाऊंगी क्योंकि उसको कल सुबह स्कूल जाना है। बस डिनर करके फ्री हो चुके हैं। विवान को सुला दिए क्योंकि उसका कल सुबह स्कूल है, तो अभी जल्दी सो गया ताकि सुबह वो जल्दी उठ जाए, तो वो भी एक रूटीन में आ गया और हमारा भी रूटीन फिर से बन चुका है। सो बस हम लोगों ने भी डिनर कर लिया, अब हम लोग भी सोएंगे। सो गाइस करती हूं इस व्लॉग को एंड, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डिनर में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो मैंने मेंशन कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करना। कोई आपको बुकिंग देनी है तो बुकिंग नंबर वहां पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। जय गुरु जी, गुड नाइट।